Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new chapter business environment. Business environment दो वर्ड को मिला के बना है, पहला तो business, दूसरा environment. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग business और environment का मीनिंग समझेंगे. तो business होता क्या है? business वो होता है तो जो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर चले और उसका मेन एम रहे क्या अर्न प्रॉफिट का. बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल दोज एक्टिविटीज या ऑल दिज एक्टिविटीज विच एम टू अर्न प्रॉफिट, या दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे बेस्ड हो विद द एम ऑफ अर्न प्रॉफिट या विद द एम ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? एनवायरमेंट. ऑल दोज एलिमेंट विच इफेक्ट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आर कॉल्ड एनवायरमेंट. वो सारे एलिमेंट जो एनवायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करे वो क्या होते हैं? एनवायरमेंट होते हैं. एनवायरमेंट को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सराउंडिंग्स. ठीक, बिजनेस इन सराउंडिंग्स या तो बिजनेस एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को हम लोग सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे एलिमेंट जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करे वो क्या होते हैं? एनवायरमेंट होते हैं. मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. अब बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अलग अलग मीनिंग समझे, अब इसको मर्ज करके समझेंगे कि बिजनेस एनवायरमेंट आखिर होता क्या है. तो बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल. क्या होते हैं वो सारे चीजें? आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बट दिस में अफेक्ट या इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. लेकिन वो सारे क्या होते हैं? आउटसाइड कंट्रोल होते हैं, लेकिन वो तब पर भी क्या अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को बिजनेस के. बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? सराउंडिंग है जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है. इन सिंपल वर्ड्स, द बिजनेस एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. ओके, सो बढ़ते हैं फीचर्स पे. फीचर क्या है बिजनेस एनवायरमेंट का? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस आर फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो है एक्सटर्नल है क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. देन है सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस मतलब बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आएंगे? कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए. और जनरल फोर्सेस में कौन कौन आएगा? सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल कंडीशंस, जो कि इम्पैक्ट करे सारे इंटरप्राइज को, किसी एक इंडिविजुअल इंटरप्राइज को नहीं, सारे इंटरप्राइज को. अगर एक तरीके से देखें तो जो स्पेसिफिक फोर्स है हम लोग का, वो सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस को ही अफेक्ट करेगा, एक ही बिजनेस को, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा. लेकिन जो जनरल फोर्सेस है जिसमें हमारे आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सारे ऑल इंटरप्राइज है, वो सबको अफेक्ट करे. जैसे कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, तो उस टेक्नोलॉजी को सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना होगा. ओके, नेक्स्ट है इंटर रिलेशन. इंटर रिलेशन मतलब इंटर रिलेटेड के टर्म्स में समझें. ऑल फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. जितने भी फोर्सेज या फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरमेंट के, वो क्या इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. अनसर्टेनिटी क्या होगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना बिजनेस एनवायरमेंट के चेंजेस, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? हमारा डायनेमिक है. अब बार बार उसे स्कैन करना वो एक प्रेडिक्शन हो जाता है. ओके, सो एज एनवायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, जो एनवायरमेंट है वो हमारा डायनेमिक है, इसलिए हमको डिफिकल्टी होती है बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करने में, या तो इज प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एज एनवायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट. फिफ्थ है डायनेमिक, बदलता हुआ, स्टैटिक ना रहे, रिजिड ना रहे, डायनेमिक रहे. ओके, चेंज होता रहे. बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है एंड कीप चेंजिंग, और चेंज होता रहता है. ये स्टैटिक नहीं है. क्या नहीं है? स्टैटिक नहीं है मतलब स्थिर नहीं है, ये चेंज होता रहता है. ठीक है, स्टैटिक और रिजिड एक ही होता है. दैट इज वाई इट इज असेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली. इसीलिए जरूरी है कि हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करें कंटिन्यूअसली, मॉनिटर करें बिजनेस एनवायरमेंट को, क्योंकि उसमें चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंट होते हैं, डायनेमिक होता है, ना कि वो रिजिड होता है. ओके, सो दैट्स वाई वो डायनेमिक है, इसीलिए हम लोग को उसे स्कैन करना, उसे मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कंटिन्यूअसली स्कैन करना बिजनेस एनवायरमेंट. देन है कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्स, ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑन दी कंपनीज. ये बहुत डिफिकल्ट है समझना कि
बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी कंपनीज का. सो ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द इन्वायरमेंट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस. ये बहुत मतलब एक तरीके से इट इज इजी टू स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट, एक तरीके से इजी भी होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस. ओके, समटाइम्स चेंजेस में भी माइनर, कभी कभी चेंजेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट पे बहुत सॉरी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा पड़ जाता है. ओके, सेवेंथ है रिलेटिविटी. बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट वो डिफरेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर एंड डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं साड़ी. साड़ी हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू यूएसए. तो हुआ ना कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट. ओके, पॉलिटिकल कंडीशंस को देख ले, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है. कल्चर्स को देख ले तो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट है. ओके, देन आए इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. सो फर्स्ट है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट. जो बिजनेस मैन होते हैं वो अगर एबल हो जाए अंडरस्टैंड करने पर और स्कैन करने सारे अपॉर्चुनिटीज बिजनेस इन्वायरमेंट एट एक अर्ली स्टेज पर, तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है और वो उस कंपनी सॉरी वो उस मार्केट में एक बिग शेयर कैप्चर कर सकते हैं या उस मार्केट में वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे व्हाट्सएप. ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं लेकिन व्हाट्सएप का कोई नहीं टिक पाया. व्हाट्सएप अब भी नंबर वन है क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया. ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देते हैं. एग्जाम्पल में देन हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रैक्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. मतलब बिजनेस हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद कंस्ट्रेंट्स और नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर कोई भी बिजनेस मैन एबल हो जाए स्कैन करने पे, अंडरस्टैंड होने में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर ले, अंडरस्टैंड उस बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर ले, तो क्या होगा, टाइम आर गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. उसको वार्निंग सिग्नल्स टू डील विथ थ्रेट्स, कोई भी निगेटिविटी आएगी तो वो पहले से ही उसे सिग्नल मिल जाएगा, तो वो उस चीज पे अपने उस चीज को चेंज कर सकता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए. ओके, सो इसलिए कहा गया आइडेंटिफाई विथ थ्रेट्स, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, किसी भी वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसे नेगेटिव, अगर उसके बाद हम लोग अगर उसको नजरअंदाज कर लिए, मान लिए नजरअंदाज कर देंगे तो वो नेगेटिव पॉलिसीज हो जाएगी, लेकिन अगर उसी टाइम उसे हम लोग चेंज कर दिए तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को लॉस पे. थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज. बिजनेस मैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. बिजनेस मैन को अपने गुड्स एंड सर्विस गुड्स को सप्लाई करने में मार्केट में डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. कस्टमर्स की डिमांड क्या है मार्केट में, उस हिसाब से वो उस आउटपुट को या उस कमोडिटी को बनाएगा, वो सेल करेगा जिस चीज की मार्केट में डिमांड है. सो टू सप्लाई आउटपुट, आउटपुट को सप्लाई करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इनपुट की जरूरत पड़ेगी, मतलब रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी. दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, और वो वही रिसोर्सेज सेलेक्ट करेगा किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उस एनवायरमेंट में उस मार्केट में उसकी डिमांड चल रही है एंड डिमांड ऑफ द आउटपुट इन द एनवायरमेंट. ओके, फोर्थ है हेल्प टू हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद द रैपिड चेंजेस. रैपिड चेंजेस तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा, चलिए पढ़ते हैं. टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट. आज के जमाने में जो चेंजेस है बहुत फ्रिक्वेंट हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, एंड दिस चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरमेंट. और ये जितनी भी चेंजेस होती हैं वो बिजनेस पे ग्रेट इम्पैक्ट डालती है. एसेंशियल एक इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्या है इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना उन चेंजेस को. जितने ही जल्दी उस चेंजेस को हम लोग अंडरस्टैंड कर ले उतना हमें फायदा रहता है. बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दिस चेंजेस विथ इन्वायरमेंट स्कैनिंग. अगर बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे कोई मार्केट में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अब उस टेक्नोलॉजी से सारे के सारे बिजनेसमैन या सारे के सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस चीज को क्या होगा, जो हमारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपनाया है तो सबको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो उन्हें उस चेंजेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उन टेक्नोलॉजीज को, इनोवेशंस को, इन्वेंशंस को क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा.
ओके देन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, मतलब द मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग माइंड द बिजनेस एनवायरमेंट. जितने भी पॉलिसीज स्ट्रेटजीज बनती है बिजनेस एनवायरमेंट में, वो बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनती हैं. एक बार फिर बताती हूँ, स्ट्रेटजीज प्लान्स या पॉलिसीज किसी ऑर्गेनाइजेशन में बनती हैं तो वो बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनती हैं. क्यों? क्योंकि अगर पॉलिसी स्ट्रेटजीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल, मतलब क्योंकि जो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज होंगी वो क्या होंगी, उसी हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा जैसा बिजनेस एनवायरमेंट होगा, ताकि उन्हें बार बार उस चीज़ों को चेंज ना करना पड़े. सिक्स्थ है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, मतलब विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. अगर किसी भी कंटिन्यूअसली स्कैन करेंगे, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, तो कंपनी कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. कंपनी क्या करेगी, ईजिली उस परफॉर्मेंस को अपने इम्प्रूव कर लेगी. और टाइमली चेंजेस एंड इनोवेशंस इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूव. और जितने भी टेक्नोलॉजीज वो अडाप्ट करेगी तो उससे क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव कर सकता है. ओके तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट होगा. तो इसका यही मतलब है कि कंटिन्यूस अगर किसी इन्वायरमेंट को, बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम लोग स्कैन करते रहे, मॉनिटर करते रहे, तो कंपनी ईजिली इम्प्रूव कर देगी अपना परफॉर्मेंस विद टाइमली चेंजेस एंड इनोवेशन परफॉर्मेंस इम्प्रूव. सो आज का टॉपिक ये खत्म होता है, मिलते हैं अगले टॉपिक में. बाय बाय.